नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भारद्वाज प्रॉप एनालिस्ट से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनबीएफसी क्राइसिस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री उभर नहीं पा रहा है और बहुत लिक्विडिटी क्रंच को फेस कर रहा है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर संजीव कटूरिया सर। हम सर से पूछेंगे कि एनबीएफसी का क्या रोल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। नमस्कार राहुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, और पिछले 20 साल से लगातार नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ज़मीन खरीदने के लिए एक पैसे की फंड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे रेगुलेटर्स ने ऐसा प्रावधान कर रखा है कि हम लोग बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं ले सकते। उसके लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो डेवलपर को ज़मीन खरीदने के लिए पैसा जो है वो जुटा के देते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहाँ से पैसा लेके आती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, बैंक से, HFC से एक फंड में पैसा एकत्रित करती हैं और वो पैसा डेवलपर को देती हैं ताकि वो जाके ज़मीन खरीद पाए। उसमें 25% के करीब पैसा डेवलपर को खुद जुड़ाना पड़ता है, अपने सोर्सेज से डालना पड़ता है, और बाकी पैसा जो है वो NBFC देती हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा रोल है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। दोस्तों, ये सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्या रोल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन हम सर से लेते हैं, ये जो हम लोग पिछले 1.5 साल से क्रंच की बात कर रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये NBFC क्राइसिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आया? तो ये बहुत ही आज की डेट में बहुत ही रिलेवेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्राइसिस क्यों उभर के आया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में। ये क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि जब हमने इनिशियल, आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो एक इकोनॉमी, एक बहुत तेज़ी से हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही थी, और HFCs ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल था कि लोग जो है वो लोगों को फंड करते रहे और लोग जो है जाके घर खरीद पाए। तो डेवलपर जो था वो NBFC से पैसे लेके आया, ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन पे उसने डेवलपमेंट करी और वो घर जो हैं वो बिकते रहे, पैसा आता रहा, और डेवलपर NBFC को पैसा वापस करता रहा, और NBFC आगे अपने HNIs इन्वेस्टर जो थे या HFC जो थी या बैंक थी उनको वापस करते रहे। समय आया, डेवलपर और एम्बिशियस हुए, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदने लगे, NBFCs भी बड़ा बड़ा फंड इकट्ठा करके और उनके ऊपर पैसा लगाने लगे। परंतु ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी में जब स्ट्रेस आया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई। जब स्लो हुई तो सेल वॉल्यूम स्लो हुई, जब सेल वॉल्यूम स्लो हुई तो रेवेन्यू कम हुआ, जब रेवेन्यू कम हुआ तो NBFCs को डेवलपर पैसा समय पे दे नहीं पा रहे थे और वो पैसा वापस आगे इन्वेस्टर्स के पास जा नहीं रहा था, इसलिए ये क्राइसिस उभर के आया। ओके सर, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ये NBFC का क्रंच आया, क्राइसिस आया। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आगे NBFCs को किन किन बातों को का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आगे ना आए और रियल एस्टेट मार्केट जल्दी से जल्दी रिवाइव करे। तो ये बहुत ही एक और बहुत अच्छा सवाल राहुल आपने किया है, और मेरी जो समझ है और जो एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बताता हूँ। NBFCs जो हैं वो अच्छे डेवलपर्स के ऊपर लैंड खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो NBFCs अगर तीन बातों का ध्यान रखें, पहली बात कि किस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर कितनी डिमांड जनरेट होगी, उसी हिसाब से वहाँ पे फंडिंग हो। दूसरी बात, वहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर हो, नहीं तो किसी समय पे वहाँ डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरी बात, लैंड पार्सल्स जो हैं जिस पे फंडिंग NBFC कर रहे हैं वो 100, 200, 300 एकड़ ना होके 10, 15, 20 एकड़ के अगर लॉट्स होंगे तो कभी भी डिफॉल्ट होने का चांस ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्मॉल इनसाइट जो सर ने आपको दी आज NBFC क्राइसिस के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है NBFCs के लिए भी कि वो भी एक पूरी रिसर्च करें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं भी मनी को किसी भी डेवलपर को देने से पहले। साथ ही हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी
कि वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें जिसकी वजह से एनबीएफसीज को फायदा मिले और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इस लिक्विडिटी क्रंच से बाहर आए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का राहुल बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री को इतना ऊपर ले जाने में और आने वाले समय तक आज जो रेगुलेशन है इस कंट्री के अंदर उनकी हमार को सब डेवलपर्स को इतनी ज़रूरत है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की कि वो फंड देंगे तभी डेवलपमेंट ज़मीन खरीद पाएंगे डेवलपर और तभी वहाँ पर इस कंट्री में डेवलपमेंट होगी। इसलिए एनबीएफसी सचेत होके डेवलपर्स को फंडिंग करते रहें और ये इंडस्ट्री आगे चलती रहे ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच सर, आप प्रोपेनल्स के पैनल पर आए एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट। आपने बहुत अच्छी डिस्कशन हमारे साथ करी और बहुत सारी बातें हमें एनबीएफसी के बारे में बताया। हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सर हमारे पैनल पर आए और इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें अपनी राय दें और हमें अपने सजेशंस दें। तब तक आप देखते रहिए प्रोपेनल्स, जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दोस्तों।